हेलो दोस्तों, आज आपको जो नंबर सिस्टम पहले पार्ट वन कराया था उसी को अब कंटिन्यू करते हैं। पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर में सबसे बड़ा एक चीज होती है कि वे एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या है जो केवल एक और अपने आप से पूर्णतः कटती हो या पूर्णतः विभाजित होती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या है इस टाइप की होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, दो के बाद तीन होती है, क्योंकि तीन भी एक ऐसी है कि जिसमें तीन का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा। फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अगर बात करते हैं एक से लेके 25 तक की, में एक दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस और 23, 29, 31, 37, 41 और 43 और 47, यहाँ तक कि 1 से 50 तक की अगर प्राकृत संख्याओं में आपको पूछा जाए अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, प्राइम नंबर कितने होंगे, तो आप काउंटिंग करके बता सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अभाज्य संख्याएं होगी 1 से अगर 50 तक की बात करी जाए। उसके बाद 53, 62, 67, 71 और 73, 79, 83, 89, 97 ये 10 प्राइम नंबर हो गए आपके पास। 51 से लेके 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर आते हैं। इसी प्रकार 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर आते हैं। बात करते हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, सिर्फ आप दो को छोड़ दीजिए, दो के बाद जो भी प्राकृत संख्या है और उसमें अभाज्य संख्या भी है तो वो क्या होगी, विषम संख्या ही होगी। सिर्फ दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। सम अभाज्य संख्या केवल दो ही है, क्योंकि ये चीज जो स्टार्टिंग में आ गई, दो ही एक ऐसा है जो अभाज्य संख्या है और सम संख्या है, और इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या भी हो। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्गों में 24 से भाग देने पर शेष एक ही प्राप्त होता है। देखिए एग्जांपल करते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 को अगर 24 से भाग देते हैं तो 24 × 5 = 120 आपके पास एक शेषफल बचता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं 23 के स्क्वायर की, बात करते हैं 23 का स्क्वायर होता है 529, क्योंकि जो मैंने आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी, जो नॉर्मल ट्रिक थी, 23 का अगर स्क्वायर आपको निकालना हो, सबसे पहले इस संख्या का स्क्वायर, फिर इस दो का स्क्वायर 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को आपस में, दो का स्क्वायर 4 होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 का डबल 12, आप पहले ये डिजिट लिखिए, उसके बाद यहाँ से सिंगल डिजिट उठाइए, एक डिजिट यहाँ कैरी कर दीजिए, 4 और 1 कितने हुए, 5, 529 आपका 23 का स्क्वायर निकल के आ गया। 529 को अगर मैं 24 से भाग देता हूँ 529 में, तो भाग इसमें 24 × 48, 4 बच गए, फिर 4 और 9 कितने में, 49, 49 में दोबारा दोगे तो 24 × 48, फिर भी आपका एक ही शेषफल बचेगा, रिमाइंडर आपको एक ही प्राप्त होएगा। दो अभाज्य संख्याओं का योग की अगर मैं बात करूं, इसी प्रकार आप कोई भी संख्या हो अभाज्य संख्या उसका वर्ग करना हो तो आपको उसमें 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल एक ही प्राप्त होगा आपको। दो अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, केवल दो को छोड़कर, दो अगर संख्या छोड़ दी जाए उसी प्रकार अभाज्य संख्या, मैंने 11 ली 13 ली, यहाँ पर ग्रेड करूँ इनका एडिशन, सम संख्या हो गया 24 आ गया। इसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ, 53 और 59 को मैंने अगर ऐड करना चाह तो इसमें आ गए 2 और 112 भी एक सम संख्या है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लीजिए आप कोई भी, लेकिन उसमें दो नहीं होना चाहिए, केवल दो को छोड़ना आपको। 3 अभाज्य संख्याओं का योग
तीन अभाज्य संख्याओं का योग अगर सम संख्या आ रही हो तो उनमें से एक अभाज्य संख्या दो जरूर होगा, क्योंकि दो अभाज्य संख्याएं अगर दो को छोड़ दिया जाता है तो सम संख्या होता है योग उनका, दो अभाज्य संख्याओं का। अगर उनमें दो भी शामिल कर लिया जाए तो तीन अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो तीन अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम संख्या आती है तीन अभाज्य संख्याओं का, उनमें से दो अवश्य होगा, क्योंकि अगर मैंने टू लिया और एक अभाज्य संख्या पांच ली, एक ग्यारह ली, इनका एडिशन अपन करते हैं सबसे पहले तो आपके पास आता है 18, 18, 18 को अगर ये सम संख्या है, क्योंकि तीन अभाज्य दो अवश्य होना चाहिए। अगर मैं दो यहाँ पे नहीं लेता हूँ तो 11, 13 और यहाँ पे 17 लिया तो इनका योग हो गया 41, जो कि ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या आ जाएगी। तीन अगर दो इसमें मैंने लिए नहीं तो ये विषम संख्या आ जाएगी, ये कंडीशन को दो होने पे फुलफिल कर देगा। तीन अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम है तो उनमें से एक अभाज्य संख्या दो अवश्य होगी। तीन अंकों की अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है तो 101 है, 101 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी तीन अंकों की अभाज्य संख्याएं है। तीन अंकों की सबसे बड़ी अगर बात करें, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो है 997, मतलब 997। अब बात करते हैं अभाज्य खंडों की संख्या। अभाज्य खंडों की संख्याओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अभाज्य खंडों की संख्या, ये अभाज्य खंडों की संख्या कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले अगर आपको कोई नंबर दिया गया है 1080, अगर आपको दिया गया है, अगर इसमें सबसे पहले दो से डिवाइड करोगे तो आपके बचेंगे 540, इसके बाद अभाज्य खंडों फिर 270, फिर इसके बाद वापस करोगे दो से 135, फिर आप इसमें 135 को तीन से डिवाइड करोगे तो आपके बचेंगे 45, इसके बाद तीन से फिर डिवाइड करोगे तो 15 बचेंगे, फिर 15 में वापस तीन से डिवाइड करो तो 5 बचेंगे आपके, और 5 को इसमें एक, इसी प्रकार आपके ये जोड़े बन गए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब भाज्य खंडों की संख्या अगर आपको पूछता है, अभाज्य खंडों की संख्या, अभाज्य खंडों की संख्या अभाज्य खंडों की संख्या इसके अंदर देखिए 2 की पावर कितना 3, यहाँ पे 3 लिखिए, फिर 3 की पावर 3 है, मतलब ये पावर को ऐड कर दीजिए आप, 3 और 5 की पावर 1 है तो इनका योग हो गया 7। अभाज्य खंडों की संख्या इस प्रकार आप किसी भी संख्या की निकाल सकते हो, कितनी होगी किसी भी संख्या में अभाज्य खंडों की संख्या आप पता कर सकते हो। इसी में एक और चीज बात करते हैं अपन अभाज्य खंडों की संख्या। अगर कभी कभी आपको क्या होगा, क्वेश्चन इस टाइप का भी दिया हुआ आ सकता है कि पावर के अंदर हो कोई नंबर, मतलब कि पावर के अंदर अगर आप कोई भी नंबर लीजिए, दो सौ साठ है, उसकी पावर अगर 43 है, देखिए अगर 260 की पावर 43, एक ये एग्जांपल लिया मैंने, 260 की पावर 43, अभाज्य खंडों की संख्या बताइए, अभाज्य खंडों की संख्या बतानी है आपको, अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, अभाज्य खंडों की संख्या। आप क्या करोगे, 260 को जैसे नॉर्मल अपने अभाज्य खंड निकाले थे वैसे निकालिए आप, 260 का 260 में 2 से किया तो 130, फिर 2 से किया 65, 65 को 5 से किया तो 13, 13 को 1, अब इसमें क्या हुआ, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो इसमें अभाज्य खंडों की संख्या निकालनी हो तो आपको जो मैंने अभाज्य खंडों की संख्या निकालनी हो
अभाज्य खंडों अभाज्य खंडों की अगर संख्या निकालनी है, दो प्लस एक प्लस एक, इनका योग कितना हुआ, चार हो गया मेरे पास, चार हो गया, लेकिन इसकी पावर कितनी, 43 है, 43 को आप क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 43 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 43 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो संख्या अभी, चार ती है 12, चार तो 16 और एक 17, 172 आपके आंसर आ गए। अब अभाज्य खंडों की जो संख्या है वो 172 होगी इस प्रकार के प्रश्नों में। आपको पता लग जाएगी अभाज्य खंडों की संख्या 172 है यहाँ पे। अब देखिए ये जो मैंने स्टार करके एक लिखा है, पावर वाली संख्या में अभाज्य खंडों की संख्या निकालनी हो तब क्या करोगे, बेस के अभाज्य खंडों की संख्या, ये जो बेस दिया है इसका अभाज्य खंडों की संख्या निकाली तो मेरे पास कितनी आई, चार आई थी, इनटू पावर, पावर जो आपको दी गई है 43, इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये 43 हो गया आपके पास। इसके बाद 43 को आप चार से इनटू करोगे तो 172 आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेंगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसमें भिन्न के रूप में भी आ सकती है, मल्टीप्लाई के रूप में भी आ सकती है। अब एक एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है, 25 की पावर 4 इंटू 35 की पावर 9, 77 की पावर 3, 121 की पावर 2, अभाज्य खंडों की संख्या बताइए, निकालिए अभाज्य खंडों की संख्या बतानी है आपको। आप क्या करोगे, सबसे पहले 25 है, 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, फिर 35 है, 35 को आप लिख सकते हो 5 × 7, जैसे मैंने आपको बताया था जो ये अभाज्य खंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, और फिर बाद में 77 है, 77 को आप लिख सकते हो, 77 को 7 × 11 लिख सकते हो, फिर इसी प्रकार आपको 121 दिया हुआ है, 121 को 11 × 11 लिख सकते हो। इसी प्रकार आप ये एग्जांपल इसको मतलब 11 × 11 को 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब देखिए ये आपको दिया हुआ है अंश, ये दिया हुआ है हर, जो अभाज्य खंडों की अगर आपको संख्या इसमें फाइंड करनी हो तो आप क्या करोगे, अंश है उसमें से अंश के अभाज्य खंड अलग निकाल लोगे आप, फिर हर के अभाज्य खंड अलग निकाल लोगे, फिर उसमें से अंश को हर में हर को माइनस करना है अंश में से। देखिए 5 का स्क्वायर आपको इसमें दे रखा है, 5 का स्क्वायर पावर कितनी है, 4, फिर 5 × 7 पावर कितनी है, 9, फिर 7 × 11 पावर कितनी है, 3, फिर 11 का स्क्वायर पावर कितनी है, 2। अब देखिए 5 की पावर 2 और 2 यहाँ पे 4 बार है, तो मतलब 5 की पावर 1 तो आपके पास आ गई 8, फिर क्या है 5 की पावर 9 एक और आ गई आपके पास तीन, फिर 7 की पावर 9 आ गई आपके पास, 7 की पावर 9 आ गई, उसके बाद आप फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए 7 की पावर आपके पास आ गई 3, 11 की पावर आपके पास आ गई 3, और यहाँ पर 11 की पावर 4 आ गई। अब क्या करोगे, यहाँ पर जो आपको पावर दी हुई है उसका एडिशन कर दोगे, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 5 की पावर 17 इंटू 7 की पावर 9, 7 की पावर 3, 11 की पावर 7 लिख सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन को। अब क्या करोगे, सबसे पहले अभाज्य खंडों की आपको संख्या बतानी है,
अभाज्य खंडों की संख्या अभाज्य खंडों की संख्या इसमें क्या करोगे आप, अंश है, अंश का जो पावर है उसका योग कर दीजिए आप। सबसे पहले अंश की जो पावर है उसका योग करना आपको, अंश की पावर है 17, 5 की पावर, और एक आपको दी गई है पावर 9, और इसमें हर की पावर को माइनस कीजिए, 7 की पावर 3, 11 की पावर 7 है, तो आप इसमें से माइनस करोगे तो इनका योग कितना होता है, 17 और 9 मिलके हो गए 26, माइनस ये कितने 3 प्लस 7, ये आपके 3 प्लस 7 हो गए 10, 10 इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास 16। मतलब इस संख्या का अगर आपको अभाज्य खंडों की संख्या निकालना हो तो आपके आंसर आएंगे 16। इसी तरह का आपका अभाज्य खंड का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। इसके बाद अब अभाज्य खंडों में जो एग्जाम्पल है उसके जारी रखेंगे अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।